हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ बेस्ट कॉम्बिनेशन इन सीएस रैंक के ऊपर। तो गाइस क्योंकि आपको पता होगा कि अपना एक से दो दिन के बाद होने वाला सीएस रैंक का सीजन चेंज, तो आपको फर्स्ट नंबर पे लेना मैक्सिम, जो कि आपको पता ही होगा मेडिकेट मारने में मदद करेगा। और सेकेंड नंबर पर आपको हयाटो ले लेना है, जो कि अपना शॉर्ट रेंज की फाइट में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और थर्ड नंबर पर लेना है आपको तप्सोया वगैरह अगर आप यूज़ करते हो, तो बाकी आप कोई भी करेक्टर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और आपको लेना है चौथे नंबर पर लेना है आपको नया वाला कैरीज करेक्टर, जो कि अपना APHP देता रहता है ऑटोमेटिकली। और पैट में लेना है आपको ये वाला, जो कि हमको नेट वगैरह दूर करने में मदद करता है। और लोडआउट में लेना है आपको बोन फायर, ठीक है, बोन फायर ले सकते हो या बैकपैक या बाउंड्री टोकन, जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इधर एक बार मेरा स्कोर भी देख लो भाई, कितना स्टार है मेरा मास्टर पे। तो फटाफट से भाई प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं अपना। और मेरा BR में तो लगा हुआ है हीरोइक पे 5 स्टार और CS में 55 स्टार है भाई मास्टर पे, ठीक है। तो फटाफट से भाई चलते गेम की तरफ। और फटाफट से, क्योंकि अगर आपके पास अपना स्क्वाड भी नहीं है ना भाई, तब भी आप बहुत इजीली यार ये करेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, तो हर सीजन आप मास्टर ग्रैंड मास्टर कुछ भी कर सकते हो। तो फटाफट से मैंने रैंडमली मैच स्टार्ट कर दिया। और पहले तो भाई रैंडम बंदों का करेंगे माइक ऑफ। और इधर आपको लेना है ये गोल्डन वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें थीवा वगैरह मिलता, जो कि हमारे टीम मेट को हेल्प करता है रिवाइव करने के लिए। तो फटाफट से चलो भाई, फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है अपना ऑब्जर्व बैटरी की साइड। तो फटाफट से इधर हमने डबल वाला पिस्टल ले लिया है और इधर से आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखो सामने बंदे ठीक ही आए, मतलब हमारे सेम रैंक के यार। आप हाँ रैंडम खेलते हो ना, तो आपका ये फ़ायदा भी रहेगा कि जो रैंक आपका होगा ना, मतलब वही रैंक के बंदे आएंगे। अगर आपके फ्रेंड वगैरह मान लो आपका ज़्यादा रैंक के होते हैं, तो फिर ज़्यादा रैंक के बंदे आएंगे। मान लो आपका रैंक है प्लैटिनम या डायमंड है, तो आप रैंडमली स्टार्ट करते हो तो आपके सेम रैंक के बंदे आएंगे। अगर भाई आप फ्रेंड वगैरह लेके खेलते हो, उनका रैंक ज़्यादा होगा, तो उनकी रैंक के बंदे आएंगे, ठीक है। भाई सामने एक लड़की दिखती है, तो उसको मैं गंदे वाले हेडशॉट मारता हूँ। बट भाई वो पता नहीं क्या हैकर की तरह एकदम हेडशॉट मार के इधर नॉक कर देता है, मौका ही नहीं मिला मारने का। चलो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं भाई, पहले राउंड हारने की तो वैसे भी अपनी परंपरा हो चुकी है, ये भी सात्विक भाई के आई। चलो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं। और भाई एक बचा है हमारा, ये क्या करेगा, लगता है कुछ करेगा। और भाई इसको भी लड़की ने हेडशॉट मार दिया, भाई हैकर है क्या, 42 लेवल की लड़की क्या मार रही है वे। चलो भाई इधर अपना अगला राउंड आ जाता है। और भाई हम अभी लगा लो पीछे से पहुंचा भी नहीं हूँ और हमारे दो बंदे डाउन हो चुके हैं, क्या ही तो घटिया टीम में आए। बट चलो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं, अभी तो पड़े हैं भाई 2 राउंड और पड़े, 2-3 राउंड, तो देखते हैं फटाफट से। भाई मैं इधर आगे जाता हूँ और सामने से भाई बंदे आ रहा है, इसको मस्त वाला भरता हूँ। बट भाई वो मेरे ऊपर सारे एक साथ ही सब रस कर देते और मेरे को इधर भी नॉक ले लेते बहुत घटिया तरीके से। बट भाई इस राउंड के बाद हमको कोई राउंड नहीं देना है, वरना फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगा। यह बात है, लौंडे ने एक नॉक लिया है रैंडम ने, मस्त है। चलो फटाफट से भाई दोबारा से नॉक लिया, बट भाई वो रिवाइव के रिवाइव कर दे रहा है, चारों को ठेस रहा है। बट साला कोई ना कोई उनको रिवाइव कर ही दे रहा है। बट चलो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं, अपने पास अभी और बचे हैं 2 राउंड, तो इसके बाद और कोई राउंड नहीं देना है भाई। लो इस लोंडे का भी कर दिया है काम तमाम। चलो भाई अपने आ जाते अगले राउंड में और इधर करते थोड़ा होल्ड। सामने से एक बंदा आता है, उसको भाई क्या ही तो गंदे वाले हेडशॉट मारता हूँ। बट भाई यहाँ मेरे साथ एक बहुत घटिया सीन हो जाता है, मेरा टीममेट मेरा किल चोरी कर लेता है यार। भाई इतना डैमेज देने के बाद किल चोरी हो जाए तो भाई क्या ही लगेगा यार, आप खुद सोचो भाई। भाई इस लड़की को भी मैं इतना डैमेज देता हूँ इधर, और भाई एक गोली मार के मेरा ये किल भी ये चोरी कर लेता है। बट चलो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं, हमको राउंड चाहिए था, राउंड मिल चुका है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं। चलो भाई एक बंदा इधर से आता है भाग के, तो इसको मस्त डैमेज देता हूँ और मैं फिर से फटाफट से इसके पीछे लगता हूँ और इसको मस्त तरीके से बॉडी बॉडी मार के डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। और अपना किल भी कन्फर्म हो जाता है। तब तक हमारे बंदों ने सब भी साफ कर दिए भाई, 2 बंदे साफ कर दिए उनके, ओनली 2, 1 बंदा बचा है लास्ट। तो फटाफट जाके भाई उसको भी मार लेते, चलो हमारे सामने ये बंदा, और इसको भी मस्त तरीके से हेडशॉट मार के ख़त्म कर देता हूँ। इसी के साथ 2v2 का स्कोर हो जाता है, देख लो एकदम मस्त तरीके से। और रैंडम भी यार कई बार आपके सेम रैंक के आ जाते हैं, तो कई बार अच्छे बंदे भी आ जाते हैं और कई भाई ख़राब भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। बट भाई इधर मेरे को डैमेज पड़ता है, मैं जब तक इधर से घूम के पहुँचता हूँ मेरे टीममेट देख रहे हो क्या ही तो प्रो हो रहा है भाई, पूरी स्क्वाड खा गए तब तक जब तक मैं इधर से घूम के पहुँचता हूँ।
और आ जाते हैं अपना लास्ट राउंड। 3v2 का स्कोर हो चुका है और भाई बंदे हैं अभी सामने, देखो। अब भाई एक बंदा इधर ही मेरे पास को इधर जंप करता है और इसको मस्त तरीके से मैं फाड़ देता हूँ, बॉडी 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 बॉडी, और इसको ख़त्म कर लेता है फटाफट से, क्योंकि इसके बाद हम कोई राउंड नहीं देना है, अगर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फटाफट से भाई एक बंदा और था और एक लड़की भाई वो उधर साइड से मार रही है यार, जिसको जिसने पहले राउंड में हम बंदे वाले हेडशॉट मारे थे, वो लड़की इधर खड़ी हुई है। इधर करेक्टर छोड़ा है भाई किसी ने, तो हमारे टीममेट ने छोड़ा है, उसने छोड़ा है, हमारे टीममेट का ही है, बट कोई दिक्कत नहीं। चलो फटाफट से चल के उसको भी डाउन लेते हैं, लड़की को, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा गंदा हेडशॉट मार रही थी। तो फटाफट से इसको मार देते हैं हम तीनों एक साथ जाके, और भाई एक लड़का और उनका मार रहा है एकदम। चलो भाई ये भी ख़त्म, और इसी के साथ अपना हो जाए ओपी वाला बुइया हो चुका है भाई। बड़ा बड़ा गाइस देख लेते हैं, हमारा रैंक हो चुका है प्लस। आप भी इसी तरीके से हर मैच बुइया कर सकते हो बिल्कुल रैंडमली, अगर आपके पास अपना परमानेंट स्क्वाड वगैरह भी नहीं है ना, फिर भी आप बहुत ही इजी तरीके से आप बिल्कुल ही कर सकते हो भाई। मास्टर हीरोइक वगैरह आप लोग नहीं पहुंच पाते सीएस में, तो आप लोग बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। और गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 10k का